नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज़ ऑन वेरी चीप प्राइस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये ठीक बरेली के रिठौरा जो कस्बा पड़ता है वहाँ की है। और आपने देखा होगा कि बरेली में रिठौरा में जो एक राजश्री कॉलेज है जस्ट ठीक उसके पीछे का एरिया है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरी आबादी है ये मुस्लिम आबादी की जो ज़मीन है आप देख सकते हैं। और चारों तरफ यहाँ के इसके ज़मीन के जस्ट ठीक पीछे भी एक रोड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 70 बीघा ज़मीन है जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है ना। और जस्ट ठीक इसके सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोस्तों, ये गार्डन सिटी करके कॉलोनी डेवलप की जा रही है करीब 100 बीघा में, है ना। 100 बीघा में यहाँ पर कॉलोनी डेवलप करी जा रही है ऑलरेडी। और जस्ट ठीक पास में ही एक राजश्री कॉलेज है जो कि सब लोग जानते होंगे जो भी मेरी वीडियो को देखते होंगे, या फिर रिठौरा में भी आपने देखा होगा। तो ठीक जो है इसके पीछे राजश्री कॉलेज है ना। राजश्री कॉलेज के ठीक पीछे ये देखो, मैंने दिखाने की कोशिश की, ये आबादी है दोस्तों सामने। ठीक आबादी भी ज़्यादा दूरी पर नहीं, मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर आबादी है। तो अगर आप यहाँ पर अपना फार्म हाउस बनाना चाहते हैं या कोई कॉलेज बनाना चाहते हैं या फिर कॉलोनी भी डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आसानी से हो सकती है। अब आइए दोस्तों, देखिए मैंने आपको, क्योंकि शाम का वक्त है, शाम के वक्त ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड करी गई है, तो धुंध छाई भी है, इस वजह से कॉलेज ठीक सामने से दिखाई नहीं दे रहा। पर हाँ, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको दिखा सकूँ। तो ये दोस्तों राजश्री कॉलेज है, ठीक इसके पीछे देख सकते हैं कि 200-300 मीटर की दूरी पर होगा सीधे सीधे अगर नापा जाए तब। और 70 बीघे ज़मीन है ये पूरी, है ना। ये चक्रूट जा रहा है बराबर से और मालिक जो है साथ में ही खड़े हुए हैं, है ना। तो दोस्तों ये ज़मीन है पूरी बाकायदा और खाली पड़ी ज़मीन है, अभी इसमें जो है कोई खेती नहीं हो रही है, शहर के ही मालिक हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी ज़मीन है और इसके बराबर से ही चक्रूट गया है। और चक्रूट दोस्तों ये पीछे वाले रोड पर जो डामर रोड है, अभी आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे, अंत में देखेंगे तो देखेंगे कि एक रोड और जा रही है। तो बहुत बढ़िया ज़मीन है, बहुत ही कम प्राइस में, अगर प्राइस आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो प्राइस हैं वो प्राइस बहुत ऊपर है, पर इस ज़मीन के जो प्राइस बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही, मैंने कहा ना, मैं आपके लिए चीप प्राइस से मतलब ये होता है कि जो वहाँ मार्केट में जो प्राइस हैं चल रहे हैं आसपास में, उससे कम प्राइस में मैं आपके लिए ज़मीन लेकर आता हूँ, है ना। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए यही कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन के लिए लाता रहूँ आपके लिए, आप सभी के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि जो ज़मीन आप चाहते हैं वैसी ज़मीन नहीं होती है, पर हाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत थोड़ा लेट आ पाते हैं ज़मीन पर या वीडियो पर मेरे चैनल पर आ पाते हैं। तो जो ज़मीन एक साल पहले डाली हुई होती है, दोस्तों उन ज़मीनों को देख कर फिर आते हैं। और प्राइस, क्योंकि दोस्तों मैं जो जेन्युइन हमेशा रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई है, तो वो साल दो साल बाद फिर आते हैं उसी ज़मीन को लेकर के, विजय भाई हमें ये वाली ज़मीन दिखाओ, वो या तो ज़मीन बिक चुकी होती है या अगर नहीं बिकी होती तो उसके प्राइस जो है उस एक से दो साल बाद डबल हो चुके होते हैं, है ना। तो दोस्तों फिर वो चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं होती। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको ज़मीन चाहिए तो प्लीज़ जितना जल्दी कॉन्टेक्ट कर सके उतना कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको वक्त पर नोटिफिकेशन पहुंच सके, है ना। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, पुरानी वीडियो निकालेंगे, तो जो कि बीसलपुर रोड पर मैंने जो डाली थी 20-20 लाख रुपए पर बीघा, आज वहाँ पर 40-50 लाख रुपए पर बीघा के रेट हैं ऑन रोड के। और ऐसे ही ठीक बाईपास पे थे जो कि 17-18 लाख रुपये पर बीघा थी ज़मीन, उस समय मैं डालता था तो लोगों को लगते थे महंगी है। आज वहीं पर जो है 50 लाख रुपए पर बीघा आपको ज़मीन नहीं मिलने वाली, है ना। मैं क्या मतलब, कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो मैं आप कहेंगे कि लोग जो आपकी बात है हमेशा अपनी बड़ी रखते हैं, मैं बड़ी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मतलब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, है ना। चाहे ये मैं हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ कि सबसे बड़ी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वह है ज़मीन। ज़मीन से अच्छा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, रोड बन रहे हैं हर जगह, है ना, जनसंख्या बढ़ी रही है, तो ज़मीन के प्राइस तो हमेशा बढ़ने ही बढ़ने हैं।
इसलिए आप ये ना सोचें कि साल बर्बाद मंदी आएगी तो सस्ती होगी या ऐसा होगा वैसा होगा, ये ख्याल अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें। और देख सकते हैं कि मैंने आपको देखो ये आबादी है सामने, है ना, और ये सामने कॉलेज है, ये हल्का सा मैंने देखो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और बिल्कुल बराबर में कॉलोनी भी डेवलप करी जा रही है। तो लोकेशन बहुत बेहतरीन है, शहर से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़मीन बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस मैं आपको पूरा बताऊँगा, और वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल में अब तक जुड़े ना हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहती हैं, है ना। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, वहाँ पर भी आप मुझसे जाकर जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों ये जो ज़मीन है मैं आपको पूरी लोकेशन आपको समझा ही चुका हूँ, है ना। 70 बीघा ज़मीन है जो कि चक्रोड दोनों तरफ मिलता है आपको, और आपको डामर रोड मिल जाता है। मेन पीलीभीत रोड से अगर दूरी की बात करें तो आबादी में से जो रास्ता है वो आपको मिली है, है ना। आबादी में से होते हुए आप आएंगे इस ज़मीन तक, और इस ज़मीन की बात करें तो पीलीभीत रोड की बात करें तो मुश्किल से 300 मीटर की दूरी होगी, 300-400 मीटर की दूरी होगी हार्डली, है ना, पीलीभीत रोड से। और जो डामर रोड जो पीछे वाला नहर वाला रोड है वो करीब ऐसी होगा 50 मीटर की दूरी पर, है ना, ज़मीन से। तो लोकेशन बहुत बेहतरीन है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए ही ज़मीनें की सर्च करता रहता हूँ, है ना। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके मतलब की ना हो, पर आने वाली वीडियो आपके मतलब की हो, तो इसीलिए प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी कोई अपनी ऐसी कोई ज़मीन सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे को जो मेरा नंबर जो आपने देखा अभी स्क्रीन में, विजय कुमार मेरा नाम है, 8077316774 ये दोस्तों मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर मेरा फ़ोन किसी कारणवश ना उठ पाए तो आप मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है वह है 6 लाख रुपये पर बीघा, है ना, जिसमें निगोशिएशन हो सकता है, और बहुत ना के बराबर निगोशिएशन है, क्योंकि जैसी बात जो प्राइस बोले जाते हैं थोड़ा बहुत कम तो करती है पार्टी, और क्योंकि 6 लाख रुपये पर बीघा 70 बीघा ज़मीन है इसीलिए इसकी प्राइस कम है, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब मालिक को बेचनी है, आप देख सकते हैं, है ना, मालिक साथ में है और ज़मीन एक नंबर की ओके ज़मीन है। तो दोस्तों अगर आपको ये ज़मीन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जितना भी आप अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या कोई सुझाव हो आपका तो सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे, है ना, तो उसमें आप यही पाएंगे कि जहाँ पर रेट आज हैं उस ज़मीन के रेट मेरे कम ही मिलेंगे, और मैंने हमेशा यही कहा है कि ये जो आपको लगता होगा कि महंगी है ज़मीन, महंगी ज़मीन, पर आने वाले 1 साल या 2 साल बाद वही ज़मीन आपको सस्ती लगती है, क्योंकि जब ज़मीन के रेट जो हैं दोस्तों वो 2 गुना 4 गुना बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताए थे रेट 25 लाख रुपये बीघा, बीसलपुर रोड पर 20 लाख रुपये पर बीघा, यहाँ तक कि 17-18 लाख रुपये पर बीघा भी ज़मीन मैंने आप मेरे वीडियो में पाएंगे पुरानी, पर आज वहाँ पर वो ज़मीन है ही नहीं, 40-50 लाख के रेट हो गए मात्र, और देखेंगे कि साल 1.5 साल 2 साल पुरानी वीडियोज़ हैं वो, है ना। तो दोस्तों अगर ज़मीन आपको पसंद आई हो, है ना, तो आप मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरी लोकेशन मैं आपको समझा ही चुका हूँ, है ना, बरेली के करीब अगर रेडिशन होटल से अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी होगी, है ना, और पीलीभीत रोड से करीब दूरी की बात करें तो होगी 300-400 मीटर की दूरी होगी लगभग में, है ना, इससे ज़्यादा नहीं है किसी भी कीमत पर। और जो दूसरा रोड है जो कि आप अभी वीडियो के अंत में देखेंगे, वो रोड दोस्तों है करीब 50 मीटर की दूरी, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी। तो ऐसी लोकेशन जो जिसके पास में सिर्फ राजश्री कॉलेज भी है और पीलीभीत रोड से मात्र 300-400 मीटर की दूरी है, कॉलोनी की बात करें तो जो नई कॉलोनी डेवलप करी जा रही है सिटी गार्डन करके, वो जो दोस्तों मुश्किल से वही 50-100 मीटर की दूरी पर है, जो एक दूसरा रोड आ रहा है वो भी आपके 50 मीटर की दूरी पर है, और चक्रोट से आपकी ज़मीन जो है बराबर पूरा चक्रोट है एक सरकारी। तो ऐसी लोकेशन, ऐसी ज़मीन जो कि बहुत मिनिमम प्राइस पर मैं आपको बता रहा हूँ,
मात्र 6 लाख रुपए पर बीघा, जिसमें नेगोशिएशन क्या कहूँ मैं, नेगोशिएशन फिलहाल ना के बराबर है क्योंकि फिक्स प्राइस है। फिर भी हाँ, मैं आप जब कहेंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन इसमें करवा दूँगा, है ना। तो दोस्तों ऐसी ज़मीन आपको नहीं मिलने वाली, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ये ज़मीन 6 महीने बाद, साल भर बाद आएंगे तो जाहिर सी बात है इसके प्राइस जो हैं कुछ ज़्यादा ही होंगे, है ना। या फिर हो सकता है कि बिकने के बाद क्या हो, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे हैं, जो बाईपास पे अगर आप किसी से पता करते हैं, किसी भी ब्रोकर से आप जाकर पता कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, कोई आपको 50 लाख रुपए से कम के कोई बताए तो आप मुझे बताइएगा, जो कि वहाँ पर कीमत अगर मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे तो 20 लाख रुपए पर बीघा, है ना, और 18 लाख रुपए पर बीघा, मेरी वीडियो पड़ी भी अभी भी सबूत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे वो बीसलपुर रोड हो, बीसलपुर रोड पर भी यही कीमत है, तो इसीलिए साल से 2 साल में इतना अंतर आ जाता है, जो कि बीसलपुर रोड पे भी 15-15 लाख रुपए पर बीघा का मेरा है पड़ा हुआ, बिल्कुल आप देखेंगे वीडियोज़ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, मेरे चैनल पर पड़ी भी है वीडियो ऑलरेडी। तो इसीलिए क्योंकि मैं आपके लिए वो ज़मीनें लेकर आता हूँ जिसकी मतलब जिसकी कुछ वैल्यू है ना मार्केट में, तो और पास में है, शहर के बिल्कुल नज़दीक है, और ये ज़मीन जो है नवाबगंज तहसील में लगती है, जिसकी रजिस्ट्री भी बहुत ना के बराबर खर्चा होगा आपका, है ना। तो दोस्तों ऐसी ज़मीन आपको फिर नहीं मिलने वाली, मौका बहुत कम मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे मौके खुद मेरे हाथ से छूट जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर आप फार्म हाउस बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, कॉलोनी भी डेवलप कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ ज़मीन है, मल्टी यूज़ हो सकता है इस ज़मीन का, वो तो आपके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी बहुत बेहतरीन ज़मीन है ये, है ना। तो हम ऐसी ज़मीन लेकर आते रहते हैं आपके लिए। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये समझो कम से कम 12 लाख से कम बना पड़ा हूँ, और जमीन अपने पास वो ही बहुत दे रही है। अब जैसे ये खालना था तो अब जो है इसका किराया दे रहा है, तो इसने उसमें तालाब बना लिया। पानी भर हुआ, ये भी जमीन ही है यार। बे तो सब कागज बोलेंगे, कान को तो आदमी जा कहते हैं पर वो आए। चलो पास में कितने हाईवे देखो, उधर वो बस्ती है, इधर देखो जी बस्ती है। खर्चा करके पार्क छोड़ के रोड बढ़िया छोड़ के 1300-1400 में आ रही प्लॉटेड एरिया।